जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, जब किसी वस्तु की प्राप्ति की इच्छा होती है तब वह वस्तु अत्यंत आवश्यक होती है, तब उसके न मिलने पर दुख होता है, यह स्वाभाविक है। परंतु यदि वह वस्तु अनावश्यक है तब मिली या नहीं मिली कोई बात नहीं, यदि मिल गई तब कौतूहल होता है और नहीं मिली तो कोई हर्ज नहीं, दुख नहीं होता है। परंतु जो वस्तु आवश्यक है, जो जीवन में जरूरी है, जिसके बिना काम नहीं चलता, जिसमें मन की अत्यंत प्रीति है, ऐसी वस्तु के न मिलने पर दुख होता है। एक सज्जन ने पूछा कि साधन करते करते इतने दिन व्यतीत हो गए, परंतु न तो भगवान का प्रेम प्राप्त हुआ और न भगवान प्राप्त हुए, इसका क्या कारण है? इसका कारण तो भगवान जानते हैं, अपने तो जानते नहीं, फिर क्या बताएं? लेकिन मैंने उनसे पूछा कि भगवान के न मिलने पर क्या आपको दुख है और प्रेम न मिलने पर आपके चित्त में अत्यंत बेचैनी है? वे बोले, कभी कभी होती है। मैंने कहा कि यदि होती है तो बड़ा अच्छा, लेकिन आपने कोई व्यापार किया होता यह सोचकर कि इसमें इतना लाभ होगा और उस व्यापार में लाभ की जगह घाटा हो जाता, तब उस स्थिति में जैसी बेचैनी होती है, वैसी बेचैनी क्या भगवान के न मिलने पर होती है? उन्होंने कहा, वैसी तो नहीं है, वे सच्चे व्यक्ति हैं, ठीक ठीक बता दिए। जब संसार की वस्तुओं के न मिलने पर जैसी बेचैनी होती है, वैसी बेचैनी भगवान के न मिलने पर नहीं होती है, तब यह मानना चाहिए कि भगवान की प्राप्ति की जैसी चाह होनी चाहिए, वैसी चाह हमारे अंदर पैदा नहीं हुई है। उन सज्जन ने फिर कहा कि आप एक बड़ी सीधी बात बताते हैं कि भगवान का मिलना सुलभ है, परंतु मुझे तो इतना साधन करने पर भी नहीं मिले। मैंने उनसे कहा, भैया, भगवान का मिलना सुलभ इसलिए बताते हैं कि भगवान कर्म के फल नहीं है, भगवान चाह के फल हैं। संसार के जितने भी भोग पदार्थ, अवस्था, स्थितियां और प्राणी हैं, ये सब के सब कर्म से मिलते हैं। वैसा कर्म पहले बना हुआ होता है तभी उनका वैसा फल मिलता है। संसार की प्रत्येक स्थिति अवस्था की प्राप्ति में कर्म अपेक्षित है, वह चाह से, इच्छा से नहीं मिलती है। धन की चाह, मान की चाह, अधिकार की चाह कौन नहीं करता है, परंतु सबको नहीं मिलता है। इनके लिए लोग अनन्य चाह करते हैं, रोते हैं, रात दिन रोते हैं, परंतु निराशा ही मिलती है। कठोर परिश्रम करने पर भी, चाह करने पर भी धन नहीं मिलता है, परंतु भगवान चाह करने पर मिल जाते हैं। इसलिए भगवान का मिलना सहज हुआ या नहीं, ये बोले, इस दृष्टि से सहज है। फिर मैंने पूछा, आपने धन की जितनी चाह की उतनी चाह भगवान के लिए भी की, क्या आप ऐसा मानते हैं? उन्होंने कहा, उतनी चाह नहीं की। मैंने उनसे कहा, जब आपको भगवान के मिलने की चाह ही नहीं है तब भगवान को आपसे मिलने की क्या परवाह है, आप जैसे लाखों भक्त हैं, भगवान उनकी चाह करने वाले को मिलते हैं, यह सत्य बात है। वे यह नहीं देखते कि चाह करने वाला कौन है, यह उनकी दया है। वे यह नहीं देखते कि ब्राह्मण है या चांडाल है, वे यह नहीं देखते हैं कि पुरुष है या स्त्री है, विद्वान है या मूर्ख है, वे यह भी नहीं देखते हैं कि उसके अब तक के जीवन के इतिहास में पाप है या पुण्य है, परंतु चाह तो देखते ही हैं। चाह है और नहीं मिले, इसका अर्थ है कि हमारी चाह में कमी है। चाह है कि नहीं, इसकी कसौटी है तद विस्मरणे परम व्याकुलतेति, नारद भक्ति सूत्र से। इच्छित वस्तु न मिलने पर भयानक दुख होता है, इसी प्रकार भगवत प्रेमी को भगवान का स्मरण नहीं भूलता है। क्यों नहीं भूलता है? इसलिए नहीं भूलता है कि भूलते ही व्याकुलता आ जाती है। जिस वस्तु के मिलने पर अत्यंत हर्ष होता है उसके न मिलने पर व्याकुलता होती है, जिसकी आवश्यकता होती है उसके न मिलने पर व्याकुलता बेचैनी होना स्वाभाविक है। जो चाहते हैं वैसा न होने पर बेचैनी होती है। जैसे कहीं जाने के लिए तैयार होकर
स्टेशन पर जाएं और देखते देखते गाड़ी छूट जाए तब बड़ा दुख होता है, यह कसौटी है। यदि आप भगवत प्रेम चाहते हैं, भगवान का भजन चाहते हैं, भगवान का मिलन चाहते हैं, तब इसके लिए छटपटाहट व्याकुलता आपके मन में होती होगी। अगर नहीं होती है तब चाहते ही नहीं, यह सीधी बात है। आप चाहते हैं, इसकी परीक्षा यही है कि आप व्याकुल हैं अथवा नहीं। अगर व्याकुल नहीं होते हैं तो इसका अर्थ साफ साफ है कि आप भगवान को चाहते नहीं हैं। अतः भगवान से मिलने की चाह पैदा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान का मिलना किसी साधन का फल नहीं है। भगवान को प्राप्त करने की अनन्य उत्कट चाह जिसके मन में पैदा हो जाए उसके लिए विधियों की आवश्यकता नहीं है। कहा जाता है कि इतना लाख जप करने पर भगवान मिल जाएंगे, यह ठीक है, शास्त्रीय बात है, लेकिन उतने लाख की आवश्यकता नहीं है। भगवान संख्या से नहीं मिलते, भगवान क्रिया से नहीं मिलते। भगवान के लिए कोई बंधा नियम नहीं है कि इतने मोल में मिल जाएंगे। वे तो चाहते हैं, वे चाह से मिलते हैं। जिसकी जैसी चाह हो, जो भगवान के लिए जितना अधिक व्याकुल होता है, भगवान भी उसके लिए उतने ही व्याकुल होते हैं। जो भगवान से शीघ्र मिलना चाहते हैं, भगवान भी उससे उतना ही शीघ्र मिलना चाहते हैं। इसलिए ऐसी अवस्था में हमें एक ही बात देखनी है कि हमारी चाह वास्तविक है या नहीं। इस चाह में वृद्धि करनी है। अद्वैत वेदांत में भी यह बात है, वहां पर भी मुमुक्षा की आवश्यकता है। जब तक तीव्र मुमुक्षत्व जागृत नहीं होता तब तक मोक्ष नहीं मिलता है। शंकराचार्य जी ने सर्व वेदांत सार संग्रह नामक अपने ग्रंथ में मुमुक्षा के भेद बताए हैं, मंद, मध्य, तीव्र, तीव्रतर और फिर तीव्रतम। आगे जाकर फिर इनके भी तीन तीन भेद हैं। लोग कहते हैं कि मोक्ष मिल जाए, यह अच्छी बात है, परंतु मोक्ष के लिए त्याग आवश्यक है और इस त्याग के लिए तैयार नहीं है। यह मंद मुमुक्षा है। तीव्र मुमुक्षा वह है जिसमें मोक्ष चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। इसी प्रकार भगवान के प्रेम की चाह, भगवान के मिलन की चाह जब तीव्रतम से तीव्रतम और अनन्य होती है, जहां दूसरी चाह ही न रहे और यह चाह अत्यंत तीखी से तीखी हो जाए, बस भगवान के प्राप्ति की यही शुभ बेला है। वहां देश काल पात्र के भेदभाव की कोई आवश्यकता नहीं है। वह पात्र कौन है, वह देश कौन सा है, वह काल कौन सा है, इनका विचार नहीं रहता। देश काल और पात्र ये जगत की वस्तुओं के लिए आवश्यक होते हैं। भगवान सर्वदेशिक हैं, सर्वकालिक हैं और सबके हैं। भगवान कहां, कब, किसको नहीं मिल सकते, भगवान सबको मिल सकते हैं, जो चाहे उसको मिल सकते हैं। भगवान की चाह अत्यंत आवश्यक चीज है, केवल इसे ही साधक को पैदा करना है। जितने भी जप तप होते हैं वे सब इसी बात के लिए होते हैं, चाहे हम उनका नाम कुछ भी रखें। सबका ध्येय यही है कि भगवान को प्राप्त करने की एकांत चाह हृदय में उत्पन्न हो जाए। निष्काम भक्ति का अर्थ क्या है, कुछ भी न चाहो और भगवान से प्रेम कर लो, भगवान की सेवा का कार्य करो। कि जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतर तासु मन, सो राउर निज गेह। भगवान के अपने रहने का घर, अपना घर कौन सा है, थोड़े दिनों के लिए आकर बस जाएं या किराए पर ले लें अथवा मांग लें कि कुछ दिनों के लिए मेहमान बना लो, ऐसा घर नहीं। सो राउर निज गेह, ऋषि कहते हैं कि एक घर मैं ऐसा बताता हूँ जो आपके लायक तो नहीं है परंतु आपका ही है, उसमें आकर आप निरंतर निवास करें। उन्होंने जो अन्य स्थान बताए हैं उनमें निरंतर नहीं कहा। बसहु निरंतर, अपने घर में बसने में संकोच कैसा, भय कैसा, अपना घर अपना ही है। जाहि न चाहिए कबहु कछु और तुम सन सहज स्नेह, यह बड़ी सुंदर बात हृदय में रखने की है। यदि यह आधा दोहा
जीवन में उतर जाए तो भगवान आपके हो जाएंगे, यह पक्की बात है, गारंटी है। जाही न चाहिए कब हूँ कछु, तुम सन सहज स्नेह। जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए, कभी और कुछ भी, ये दो बातें, फिर प्रेम क्यों करता है? इसलिए कि प्रेम के बिना रहा नहीं जाता। सहज प्रेम है, किसी हेतु को लेकर, किसी कामना को लेकर, किसी गुण को देखकर, किसी रूप सौंदर्य को देखकर अथवा किसी महत्व को देखकर नहीं, अपितु जिसका सहज स्नेह है। हे राघवेंद्र, जिसका तुम में सहज स्नेह है और जिसको तुमसे कभी कुछ भी नहीं चाहिए, उसका मन आपके रहने का अपना घर है, आप उसमें सदा के लिए बस जाइए। क्या विलक्षण भाव है! दूसरी सारी इच्छाओं का सर्वथा विनाश करके मनुष्य जब एकांत इच्छा से केवल भगवान को चाहता है, तब पूर्व के किसी कर्म की, किसी भाव की आवश्यकता नहीं होती, भाव भगवान स्वयं मिल जाते हैं। फिर इससे भी आगे की एक और बात प्रेमी की होती है, वह यह है कि भगवान के मिलन को नहीं चाहता, वह यह है कि भगवान के मिलन को नहीं चाहता। यह बड़ी विलक्षण बात है, जो मिलन भजन को रोक दे, वह मिलन प्रेमी के लिए वांछनीय नहीं है। जो मिलन भजन में बाधक हो, वह मिलन भक्त को वांछनीय नहीं है। भक्त भगवान के मिलन की अपेक्षा भगवान के भजन को अधिक प्रिय समझता है। वे मानते हैं कि भगवान मिल जाएं और मैं उनका भजन छोड़ दूं, ऐसा मिलन मुझे नहीं चाहिए। इसका परिणाम होता है कि भगवान स्वयं चाहते हैं कि मैं मिलूं, बुला लेते हैं, स्वयं उसके पास चले आते हैं सब तरह से। जय श्री राधे। जय श्री राधे।